तो वेलकम टू सीजनल गार्डनिंग दोस्तों। इस बार अनार के पेड़ में ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। ढेर सारी फ्लावरिंग का राज क्या है मैं आज आपसे शेयर करूंगी, तो मेरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये 3 साल पुराना अनार का पेड़ है और इसमें ढेर सारी इस बार फ्लावरिंग हो रही है और लास्ट 2 ईयर से भी ज़्यादा इस बार फ्लावर आए हैं अनार के प्लांट में। और अनार के प्लांट में मैंने कौन सी खाद डाली है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उससे पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपके यहाँ भी अनार के पेड़ में फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट्स आ रहे हैं तो आप उस टाइम पर बिल्कुल भी खाद नहीं डालेंगे और इसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे। तो इसमें मैंने जो खाद डाली थी और फर्टिलाइज़र डाला था वो ये डाला था कि इसमें जो खाद थी गाय के गोबर के कंडे की, जो शुद्ध कंडा है और इसकी जो एकदम फ्रेश कंडा होता है गाय के गोबर का कंडा, उसकी खाद डाली थी। और इसमें मैंने एलोवेरा जेल का फर्टिलाइज़र का छिड़काव किया था। इससे मेरा ये जो दोनों फर्टिलाइज़र और खाद है वो सक्सेसफुल हो गई और इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग इस बार स्टार्ट हो गई आना। और ये जो मैंने फर्टिलाइज़र है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है कि आप एलोवेरा जेल का फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं, तो आप बना सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसे आप आराम से अपने प्लांट में दीजिए, तो इससे ग्रोथ अगर रुक गई है प्लांट की तो वो भी बढ़ने लगती है। ये देखिए इस बार एकदम हरा भरा अनार का पेड़ एकदम रेडिश हुआ हुआ है, एकदम लाल, एकदम फूलों से भरा हुआ है और इतना सुंदर लग रहा है। लास्ट 2 ईयर के मुकाबले इस बार ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है क्योंकि लास्ट ईयर जो फ्लावर आए थे वो बहुत सारे फ्लावर्स तो गिर गए थे। जब फ्लावर आते हैं प्लांट में तो आप उसमें खाद मत डालिए, उसमें आप ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो जो फ्लावरिंग हो रही होती है वो फ्लावरिंग एकदम से गिरने लगती है क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो एकदम उसमें नाजुक और एकदम बिल्कुल, अगर आप उसमें कुछ प्लांट में खाद वगैरह डालते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रूटिंग हो रही है, जो फ्लावरिंग हो रही है वो एकदम गिर भी सकती है। अगर आप सोचें कि वो फ्लावर से फ्रूट्स बन जाए, लेकिन वो नहीं होता, उससे इससे अच्छा है कि आप एकदम, अभी बारिश भी हो रही है तो बारिश का पानी इसमें मिल रहा है एकदम अच्छे से और मैं इसमें एक दिन छोड़कर एक दिन पानी डालती हूँ प्लांट में। तो मैंने तो इसे ग्राउंड फ्लोर पर लगाया हुआ है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर लगाना चाहते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पर भी अनार का प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप टेरेस पर लगाना चाहते हैं तो कोई एक बड़े पॉट में लगाइएगा, अगर 18 से 20 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको ग्रोथ भी बढ़ेगी और एकदम प्लांट को जगह भी अच्छी मिलेगी, तो ये बढ़ेगा भी जल्दी जल्दी। तो मैंने तो इसे ग्राउंड फ्लोर पर एकदम 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में हर साल फ्रूटिंग देता है और ये प्लांट को लगाकर तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अनार तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और अभी हमारी जो बारिश हो रही है बीमारियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है अनार। हमारे को कुछ भी बीमारी होती है हम अनार का जूस पिएं उससे हम एकदम फिट और हमारी सारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। अनार जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसको हमें जूस, रोज़ जूस पियेंगे तो ज़्यादा हम हेल्थी और फिट भी रहते हैं। अनार इसीलिए अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है और ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है और इस फ्रूट को आप लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे या अपनी बालकनी में भी या अपने ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में भी। तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा और बहुत लमसम फ्लावरिंग हो रही है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर भी अनार का प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग हो तो आप ये वाली खाद और ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, तो इससे आपके घर पर भी जो प्लांट लगा है उसमें डेफिनेटली जो फ्रूटिंग नहीं आ रही होगी वो भी स्टार्ट हो जाएगी आना। और मैंने इसमें अभी तक बिल्कुल भी इसमें ना पानी का छिड़काव दिया है और ना ही कोई फर्टिलाइज़र का छिड़काव दिया है, ये नेचुरल तरीके से आ रहे हैं तो मैं अभी इसमें बिल्कुल भी छिड़कानी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपन ने ज़रा सी भी छिड़कानी करी तो ये जो फ्रूट्स हैं जो आ रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। तो इस बार तो फ्रूट्स जो फ्लावर है वो गिर नहीं रहे हैं और इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो फ्रूट्स बनना स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, अनार का प्लांट कैसा लगा मेरा और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मेरा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और मेरी गार्डनिंग चैनल सीजनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे आने वाले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और हमारी और भी वीडियोज़ को देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।